बहन को घसीट के ले गए और उनको ज़बरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। हमें धमकी दी तो आप लोगों को भी मुसलमान होना पड़ेगा अगर आप लोगों ने यहाँ रहना है तो। मैं 31 तारीख को गवर्नर हाउस के आगे सामने पूरे परिवार के साथ उनको जला दूंगा। पाकिस्तान की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है। पाकिस्तान च एक सिख कुड़ी दा जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है। 19 सालां दी लड़की गुरुद्वारा तंबू साहिब दे हेड ग्रंथी भगवान सिंह दी है। परिवार अते सिख भाईचारे ने दोष लाए ने कि मुस्लिम नौजवानां ने बंदूकां दी नोक ते सिख कुड़ी दा जबरन धर्म परिवर्तन करवाया है। उथे दस दिए कि परिवार अते सिख भाईचारे ने पुलिस ते दोष लगांदे होए कहा है कि शिकायत दर्ज करवाए जाण दे बावजूद भी दोषियां ते कोई कारवाई नहीं कीती गई। जानकारी दे मुताबिक यह घटना 27 अगस्त दी है। देर रात कुछ लोग हेड ग्रंथी भगवान सिंह दे घर दाखिल होए अते बंदूक नोक ते जबरन कुड़ी नू अपने नाल लै गए। परिवार दा कहना है कि पुलिस च मामला दर्ज करवाउण तों बाद लगातार मुलजमां वल्लों उन्हां नू केस वापस लैण लई धमकियां भी मिल रहियां ने। दूजे पासे इस घटना दे एक दिन बाद ही सिख कुड़ी अते एक मुस्लिम नौजवान दी वीडियो वायरल हुई है जिस च यह दावा कीता गया है कि उस लड़की ने अपना धर्म बदल के मुस्लिम लड़के नाल निकाह कीता है। इस मामले नू लै के सिखां च भारी रोस वेखण नू मिल रहा है। कुड़ी दे परिवारक मैंबरां ने दोष लाया कि इस वीडियो दे विच कुड़ी तों दबाव पा के यह बुलवाया गया है। कुड़ी दे भरा ने प्रधानमंत्री इमरान खान नू अपील कीती है कि उन्हां नू इंसाफ दित्ता जावे। उन्हां ने कहा है कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस मामले च फौरन कोई कार्रवाई करे। उते सिखां वास्ते सरकार नू चिंता करन दी लोड़ है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मेरे वाल साहब का नाम भगवान सिंह है जो गुरु घर के ग्रंथी है। मैं ननकाना साहब का रिहायशी हूँ। कल रात को हमारे परिवार के साथ एक बहुत दर्दनाक वाकया हुआ है। कुछ गुंडे रात को हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको ज़बरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। सुबह में हम थाने चले गए और हमने FIR कटवाया। SHO के पास चले गए, DCO के पास, पर किसी ने हमें इंसाफ नहीं दिलाया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब हम वापस घर आए तो कुछ देर पहले वही लोग दोबारा आए और उन्होंने हमें धमकी दी अगर आप लोगों ने FIR वापस ना लिया तो आप लोगों को भी मुसलमान होना पड़ेगा अगर आप लोगों ने यहाँ रहना है तो। मेरी PM इमरान खान और चीफ जस्टिस से अपील है, गुजारिश है कि वो हमें इंसाफ करें, हमारे साथ इंसाफ करें, हमें तहफ़ में रखें। जो हमें धमकियाँ दी जा रही है हमें आगे भी तहफ़ में रखा जाए। अगर ऐसा ना किया गया और मैं 31 तारीख को गवर्नर हाउस के आगे सामने पूरे परिवार के साथ खुद को जला दूंगा। और मेरी एक बात और कि हमारी बहन को हमें खुद लाजमी चाहिए, हमारी बहन हमें लाजमी चाहिए, वो हमें वापस दे दी जाए। ओथे इस मामले ते दिल्ली गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी दे प्रधान मनजिंदर सिंसा ने कहा है कि असि दुनिया भर विच जिथे भी सिख भाईचारा वसदा है उन्हां दे हितां दी राखी करन वास्ते काम करदे आ रहे हां अते इंज ही करदे रहांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दा टीवी, NRI। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई दा टीवी NRI दी YouTube चैनल नू सब्सक्राइब करो अते बेल आइकन दबाउणा बिल्कुल ना भुलना।